दिल्ली में बड़ा बैठक बसला नक्सल मुकाबला अमित शाह अभिभाषण रखुच्च कल्याणकारी योजनाओं का भी ग्राफ जबरदस्त आगे बढ़ा है। एक प्रकार से इसका विहंगावलोकन करे तो वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीम बांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए हैं। वहां पर सैचुरेशन का काम चालू हो गया है और एलडब्ल्यू का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। 2019 से हमने एक बहुकोणीय रणनीति का अमल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, इसके लिए हमने वैक्यूम्स ढूंढे और एक ही साल में 100 ज्यादा कैंप हमने प्रस्थापित किए हैं। और मैं मानता हूं कि इससे हमें बहुत बड़ी सफलता मिली, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, और इसके माध्यम से सिक्योरिटी वैक्यूम को खत्म करना, स्टेट इंटेलिजेंस की शाखाओं को सुदृढ़ करना, राज्य के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है, और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है, इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार है। शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है, इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार है। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था, और 24-25 अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चौकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। मित्रों, आज मैं जब इस बैठक को डिटेल सुन रहा था, तब राज्यों के बीच में आपसी तालमेल और सीमावर्ती जिलों के अंदर ज्वाइंट टास्क फोर्स की रचना तो हमने की है, मगर इसकी हायरार्की और उसके ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूर है। कैपेसिटी बिल्डिंग कुछ राज्यों ने तेलंगाना,
और आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, परंतु सभी राज्यों ने अपनी गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का संयुक्त अभियान चलाना पड़ेगा, तभी जाकर हम कर पाएंगे।